जेएमएम तो जेएमएम सुनिए, जेएमएम टूटेगा क्यों नहीं टूटेगा? हम तो अभी आप लोगों के सामने बोले कि वो गुरुजी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था वो नहीं है। अभी जेएमएम में आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर कितने बाहरिया लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं सीएम के अगल बगल में एक भी आदिवासी, आप लोग बता दीजिए उनके अगल बगल में है एक भी आदिवासी? नहीं मिलेगा क्या झारखंड में? क्या पढ़े लिखे आदिवासी नहीं है क्या एक भी उसके साथ रहने के लिए? आज जो लोग हैं आप लोग जा रहे हैं, नाम भी हम बोल चुके हैं उन लोगों का, और वो लोग भी यहाँ झारखंडी नहीं है। मैं तावे के साथ बोलता हूँ, मैंने कहा था कि अगर आप झारखंडी हो तो आप अपना खतियान दिखाओ, तो जो सही बात है उसको तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो रहा है और धीरे धीरे लोग भागेंगे, नहीं रहेंगे, दम बदलेगा, संथाल में रंग बदलेगा। अरे यार राज्यपाल को तो आप माइनस करके चल रहे हो, ऐसे थोड़े चलने वाला है। थैंक यू दादा, लेकिन पेशा है कि आप जाके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछ लीजिए कि उन्होंने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के बारे में उन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था कि नहीं गिराया था? तो जब अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, इसके बाद 14 महीने का कार्यकाल उसको बिना काम करने का, उस पर भी नहीं कर पाए, उस पर भी स्थानीय नीति नहीं बनाए, और अभी 4.5 से 5 साल होने जा रहा है अभी तक नहीं किए, तो क्या विश्वास करेंगे उस पर? पटका और साथ ही साथ सदस्यता फॉर्म भरवाकर हम उनका स्वागत पार्टी में करेंगे। हमारे लोकप्रिय जनप्रिय और जिनको हम कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जानते हैं, ऐसे आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी थी अपने आदरणीय लोबिन अपन जी का इस भारतीय जनता पार्टी की में सदस्यता ग्रहण करने के लिए उन्होंने भी शुभकामना दिया। और कल ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और भरोसा करके जिस प्रकार से कोल्हान के टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, झारखंड के आंदोलनकारी रहे और 5 महीनों के कार्यकाल में इन्होंने बताने का काम किया है कि कैसे देश कैसे राज्य का विकास होता है। और उस समय में इन्होंने भी काम किया है, चंपई सोरेन जी है अपने आदरणीय अध्यक्ष जी, सदस्यता का जो हमारा फॉर्म होता है फॉर्म को भरवा करके सदस्यता ग्रहण कराए, आपका अभिनंदन और स्वागत है आदरणीय। हमने ये सोचा कि आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये झारखंड संवरने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है, और इसलिए हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए और हमारे यहाँ गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर विश्वास जताते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करूंगा और इस झारखंड को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को अपना हक हम लोग कैसे दिलाएंगे, इस पर हम लोग सारे लोग मिल करके काम करेंगे और इस झारखंड को बचाने का काम करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने का काम करेंगे।